मथुरा में सफाई कर्मियों के साथ बैठकर पीएम मोदी ने कूड़े से छांटे प्लास्टिक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी और कैंपन कमेटी का गठन किया। दिल्ली में कटा अब तक का सबसे महंगा चालान, तोड़े सारे रिकॉर्ड। मुंबई कांग्रेस की कलह आई सामने, मिलिंद देवड़ा ने उर्मिला मातोंडकर के आरोपों का किया समर्थन। दिल्ली में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। भारतवासियों में स्वच्छता अभियान की अलख जगाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। प्रधानमंत्री ने आज मथुरा से प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने वहां कूड़ा छांटने वाले कर्मचारियों से बात की। सफाई कर्मियों वहां कूड़े से प्लास्टिक को अलग करने का काम कर रहे थे। देखते ही देखते पीएम उनके साथ बैठ गए और प्लास्टिक छांटने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजाना कूड़ा बीनने वाली महिलाओं से जाना कि किस तरह से कूड़े से प्लास्टिक को अलग किया जाता है। इसके लिए एक मशीन भी लगाई गई थी जिसमें सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को डिकम्पोज किया जा सके। पीएम ने प्लास्टिक को छांटने के बाद मशीन में उसे डिकम्पोज भी किया। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी के बीच पार्टी ने अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत करने की कोशिश की है। हरियाणा कांग्रेस की कमान मिलने के बाद कुमारी शैलजा ने इलेक्शन कमेटी और कैंपन कमेटी का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। कुमारी शैलजा इलेक्शन कमेटी की हेड होंगी और उन्होंने इलेक्शन कमेटी में 28 मेंबर्स को जगह दी है। इस कमेटी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से लगातार भारी भरकम चालान की खबरें आ रही हैं। अब ऐसा ही एक मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आया है। यहां देश में सबसे महंगा चालान एक ट्रक का काटा गया है। राजस्थान के ट्रक को यहां ओवरलोडिंग के जुर्म में 1.41 लाख रुपए का चालान किया गया है। ट्रक मालिक ने 1.41 लाख रुपए का चालान दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भर दिया है। भगवान राम नाम के ट्रक मालिक इतनी बड़ी चालान राशि अदा करने वाले देश के पहले ट्रांसपोर्टर हो गए हैं। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद अब जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ा दी गई है। अब ओवरलोडिंग पर पेनल्टी 2,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही पहले जहां 1 टन एक्स्ट्रा भार का पहले 1,000 रुपए फाइन किया जाता था, अब वो बढ़कर 2,000 रुपए प्रति टन हो गया है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकार उर्मिला मातोंडकर राजनीति में एंट्री के बाद 6 महीने में ही कांग्रेस को अलविदा कह चुकी हैं। उर्मिला के इस्तीफा देने के बाद मुंबई कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा कहीं ना कहीं उर्मिला के आरोपों का समर्थन करते दिखे और उन्होंने कहा कि उत्तरी मुंबई की जवाबदेही तय होनी चाहिए। बता दें कि उर्मिला मातोंडकर ने 27 मार्च 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं। बीते लोकसभा चुनाव में वो मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन बीजेपी के गोपाल शेट्टी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने 4,65,000 वोटों से उर्मिला मातोंडकर को हरा दिया था। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर उर्मिला के इस्तीफे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, उर्मिला ने लोकसभा चुनाव लड़ना तय किया और मैंने चुनाव प्रचार अभियान में उनका पूरा साथ दिया। इसके साथ ही देवड़ा अपने सहयोगियों पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। उन्होंने आगे लिखा, मैंने तो उर्मिला का तब भी साथ दिया जब उन्हें वही लोग गिराने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने उनकी राजनीति में एंट्री करवाई। मैं पूरी तरह से उर्मिला से सहमत हूँ।
मुंबई नॉर्थ कांग्रेस के नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने एक महिला को उसके पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने महिला के साथ उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार किया है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। दरअसल पुलिस को 9 सितंबर को सूचना मिली कि दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में सोनू नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि सोनू की गला दबाकर हत्या की गई है और सोनू के गले पर रस्सी के निशान थे। पुलिस ने जांच शुरू की, पता चला कि सोनू रात को अपनी पत्नी और एक साल की बच्ची के साथ सो रहा था। पुलिस को उसकी पत्नी पर शक हुआ और जब उसे पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि उसने ही अपने प्रेमी सागर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। पुलिस की माने तो सोनू की पत्नी के घर के पास में ही रहने वाला सागर नाम के एक शख्स के साथ अवैध संबंध थे। दोनों घर से भाग जाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर ये साजिश रची को गिरफ्तार कर लिया है।